हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल कादियन वेलकम करता हूं आप सभी का वंस अगेन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर यूट्यूब के साइंस गुरुजी चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 13 क्लास 10। फिजिक्स का चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि व्हाट इज मैग्नेट, क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था फन विद मैग्नेट, कि मैग्नेट के साथ आप कैसे फन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है इसकी, फन विद मैग्नेट। तो उसको ही स्टार्टिंग से लेके चलेंगे सबसे पहले डीपली। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है MEEC कि व्हाट डू मीन बाय MEEC, क्या होती है। सेकेंडली हमने डिस्कस करना है EMI। ये दो चीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लियर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखिए व्हाट डू मीन बाय MEEC, क्या होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी वायर के अंदर से जब पास करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, जैसा कि आपने चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी वाले के अंदर पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इन ए वायर, जैसे ही उसके अंदर पास करते हैं उसमें क्या होती है कोलिजन्स होते हैं, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सेम लाइक इसे अट्रैक्शन आ जाती है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब उसके बाद इसके अंदर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चैप्टर के साथ साथ दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा एक मैग्नेट है, दिस इज ए बार मैग्नेट। इस टाइप के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। अब इसके दो पोल होते हैं, वन पोल इज ए नॉर्थ पोल एंड सेकेंड पोल इज ए साउथ पोल। सो इसको हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। उसके बाद है हॉर्सशू मैग्नेट, कि जैसे हमारे घोड़ों की पैर होते हैं ना, उसको हॉर्सशू उसी शेप में होता है, ये उसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। आप इसको आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए हॉर्सशू मैग्नेट। इसके भी वही सेम है, इट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद है डंबल शेप, डंबल शेप भी मैग्नेट होते हैं, काफी टाइप्स के मैग्नेट है वैसे तो ये, ठीक है ना। तो ये मैंने दो तीन को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो सबसे पहले इसके अंदर कि द ब्लैक ओर ऑफ आयरन, जो ब्लैक ओर है आयरन की, दिस इज कॉल्ड इज ए Fe3O4 मीन्स लाइक इज ए फेरिक ऑक्साइड कॉल्ड इज ए मैग्नेटाइट। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। कि कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग सिमिलर पीस ऑफ आयरन, मतलब ये क्या करती है, कैपेबल है ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अपने तरफ कोई भी जो मेटल के पीस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए आइडियोस्टोन। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, MCQ क्वेश्चन के लिए। कि दे आर नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट यूज फॉर ए ह्यूमंस टू फाइंड द डायरेक्शन। कि ये किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। अब वो बेसिकली कैसे यूज करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कॉम्पास नेडल के बारे में। कॉम्पास नेडल क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, ठीक है ना। इसका ये क्या होता है, दिस इज ए साउथ पोल और दिस इज ए नॉर्थ पोल, मतलब ये डायरेक्शन को शो करती है कि किस टाइप में नॉर्थ डायरेक्शन है, किस टाइप में साउथ डायरेक्शन है। उसके बाद देखिए कि व्हाट इज ए मैग्नेट, क्या होता है, कि मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक पीस, जो अट्रैक्ट करता है आयरन और आयरन लाइक जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम मैग्नेट्स कहते हैं। अब सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, हैंस क्रिस्टन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, कब डिस्कवर किया था इसने, 1820 के अंदर। इसने क्या डिस्कवर किया, कि डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी भी वायर के अंदर से पास करेंगे ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने यही डिस्कवर किया, तो उस डिस्कवर को भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं एक प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो क्या किया इसने, जैसे कि मैं यहां पर करके दिखाता हूं आपको, बस इसमें यह ध्यान रखना कब डिस्कवर किया था इसने, 1820 के अंदर, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस के रूप में ये पूछे जाते हैं। अब सपोज कीजिए आपने एक ये मैग्नेटिक वायर ली है, इस मैग्नेटिक वायर के साथ आपने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है, एंड दिस इज ए की के। अब जैसे इसके साथ आप ये की लगाते हैं, ये पॉजिटिव एंड हो गया नेगेटिव,
हमेशा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव एंड की तरफ से। जैसे इसके अंदर से ये मैग्नेटिक, जो आपका ये मैग्नेटिक वायर कह लीजिए या कोई भी आप इसको कंडक्टर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, कि जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो यहां पर आप जो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया, यहां पर एक कॉम्पास नीडल को लगा दिया। अब जैसे करंट पास कर रहा था, कॉम्पास नीडल क्या थी, एक फ्रीली सस्पेंडेड थी, मतलब ऐसे ही रखी हुई थी, कि जब यहां से करंट पास करना स्टार्ट किया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करनी स्टार्ट हो गई, किसके अंदर, वो जो हमारी कॉम्पास नीडल थी। तो इसने क्या डिस्कवर किया इसके माध्यम से, कि व्हेन ए करंट पास थ्रू एनी मेटालिक वायर और ए कंडक्टर, ठीक है, एंड द कॉम्पास नीडल इज नियर, ठीक है, नियर बाय किसके है, मेटालिक वायर के, गोट ए डिफ्लेक्शन, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आनी शो हो गई। तो क्या हो गया इसके अंदर, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि द रिलेशन बिटवीन, कि व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एनी वायर, किसी भी वायर में से किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास करेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आसान सा है ये, क्योंकि रिलेशन बताया गया इसके अंदर बेसिकली, कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू हैंस क्रिस्टन और स्टेट एक्सपेरिमेंट, क्या बताया इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर, अभी हमने बताया था आपको कि द डिफ्लेक्शन किसके अंदर आई थी, वो कॉम्पास नीडल के अंदर, कॉम्पास नीडल, नीडल के अंदर एक और लगा लेना भाई, ठीक है ना, नीडल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू किसके अंदर से पास किया गया, एक कंडक्टर और ए वायर, और ए कंडक्टर और वायर एज यू विश, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हुआ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इन ए कंडक्टर, ठीक है ना। तो इसने किसके रिलेशन बताया, इसने रिलेशन बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है किसके साथ, मैग्नेटिज्म के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसे क्या कहते हैं, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इसका जो डायग्राम है, डायग्राम सिंपल डायग्राम वही जो मैंने अभी शो करके दिखाया था आपको, कि जैसे वो करंट पास कर रहा था तो उसमें डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है। आप देखिए ध्यान से, बेसिकली एक एक्टिविटी है ये ऐसी, अब यहां पर मैं बना देता हूं एक, दिस इज ए बार मैग्नेट, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही यूज करने वाले हैं गाइस, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब इस एक्टिविटी के बेस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आप क्या करते हो, इसके आसपास कोई आयरन की फिलिंग्स डाल देते हैं, किसके आसपास, इस बार मैग्नेट के आसपास, क्लियर है। अब ये पूछता है कि व्हाट यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके आसपास का एरिया, द एरिया सराउंडेड बाय द मैग्नेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, तो कैसे लिखोगे इसकी डेफिनेशन आप, कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, जो मैग्नेट के आसपास का एरिया होगा, ठीक है ना, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब क्या होगा, कि जो उसका एक्सपीरियंस होगा, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, क्लियर है, जब उस पर कोई या तो फोर्स कह सकते हो या इट फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, ऐसे भी लिख सकते हो, इट कैन बी फोर्स डिटेक्टेड,
इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे भाई, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इज ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड रियलिटी में, अब मैं इसमें एक चीज बताता हूं आपको, आपने पढ़ी भी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी, कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि जिसकी डायरेक्शंस भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हो। और मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है डियर, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि कुछ ना कुछ उसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है, तो उसको बेसिकली मैग्नीट्यूड्स बोला जाता है, क्लियर है। अब आती है बारिश की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसने ऑब्जर्व किया था, ये एक अमेरिकन निकलस था, निकलस टेस्ला, तो उसने इसको एक्सप्रेस किया, तो उसने अपने नाम पे इसको, इसकी जो एसआई यूनिट है उसको दे दिया क्या, टेस्ला। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। अब उसके बाद है इसके अंदर कि यदि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए, क्योंकि भाई हम डीपली कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी, ठीक है ना। तो उसके बाद पूछी जाती है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, गॉज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो रियल यूनिट है वो क्या है, टेस्ला। किसके नाम पे आई है, अमेरिकन था एक, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इज निकोलस टेस्ला, उसने अपने नाम पे इसको एसआई यूनिट कह दिया। और उसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये साइन भी मैंने लगा दिया, क्योंकि क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी है प्लस इसके डायरेक्शंस भी हैं, क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बेस पे जो मैं एक्टिविटी कर रहा था वही है ये, तो लिखिए भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी, सेम एज इट इज। अब यहां पर मैं कोई भी बार मैग्नेट बना लेता हूं, दिस इज ए बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट के अंदर सेम वही दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उससे पहले आप एक चीज देखिए, जैसे जैसे सेम पोल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या रखा, एक और बार मैग्नेट रख लिया। यदि यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब है एक दूसरे को इधर उधर धकेल देंगे, ठीक है ना। और यदि मैं यहां पर एक लगा देता हूं साउथ पोल और इस साइड में लगा देता हूं नॉर्थ पोल, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होंगे, ये आपस में आएंगे, दिस इज कॉल्ड इज अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो क्या लिख सकते हो आप, कि लाइक पोल्स आर रिपेल, ठीक है ना, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, क्लियर हो गया ये भी। अब उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बेसिकली मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि डायग्राम पूछा जाता है पेपर के अंदर, हाउ टू यू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम को, कैसे हम रिप्रेजेंट करें, सेम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, हमेशा कहां से निकलती है, वो नॉर्थ से जाती है साउथ की तरफ, कहां से निकलेंगी, नॉर्थ टू द साउथ, ठीक है ना। सेम पैटर्न ऐसे ऐसे, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ की तरफ ये अंदर की तरफ जाएंगी, क्लियर है। अब यदि इनसाइड की बात करें, इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, तो कैसे चलती है ये नॉर्थ से साउथ चलती है, इनसाइड की बात करते हैं जब हम, ठीक है ना। यदि आउटसाइड की बात करेंगे, तो
तो ये कहां से चलेंगी, नॉर्थ टू साउथ चलेंगी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेफिनेशन क्या रहने वाली है कि द इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखिए द इमेजिनरी लाइन्स क्या कर रही है भाई, रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो, मैग्नेटिक फील्ड को, अराउंड किसके आसपास, मैग्नेट के, अराउंड मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इनको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लियर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कैसे आप चेक करोगे, देखिए ध्यान से, कि व्हेन आयरन फिलिंग्स आर पुटेड नियर इन द मैग्नेट, जैसे आप उसको मैग्नेट के आसपास बिखेर देते हैं स्प्रिंकल्स के रूप में, तो वो क्या शो करती है, इस टाइप से एक अपनी डायरेक्शंस को बना लेती है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर एक अरेंज पैटर्न करना है, आप एक एक्टिविटी है वो स्कूल के अंदर लैब में कराई जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, तो यहां पर लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम पैटर्न वही, आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी इसकी, कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब ओरिजिनेट कहां से होती है, ये निकलती कहां से है, नॉर्थ पोल से, और मर्ज कहां पर होती है, इस केस में साउथ पोल पे, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये रहेगी इसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी कि दे दीज लाइन्स आर ए क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस करो, दीज लाइन्स आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस करो, मतलब एक कर्व के रूप में होती है, क्लोज होती है ये, ठीक है ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में कभी भी नहीं काटती, These magnetic field lines do not intersect each other, आपस में नहीं काटेंगी, intersect each other, क्यों नहीं काटेंगी भाई, यदि आपस में कोई भी दो मिल जाए तो उस केस में क्या होगा, फिर दो डायरेक्शंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल, ये अपने पाथ पे ही ट्रेवल करती है, क्लियर हो गया। उसके बाद दे क्राउडेड नियर द पोल्स, फोर्थ पॉइंट, दे क्राउडेड नियर द पोल, जो पोल के आसपास होंगी तो ये क्या होंगी, काफी स्ट्रांग होंगी, जैसे पोल से दूर जाना स्टार्ट करेंगी तो ये क्या होती चली जाएंगी, वीक होती चली जाएंगी। तो क्या लिखोगे, दे क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, पास में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, जब दूर होती चली जाएंगी इट मींस क्या होंगी, ये वीक होती चली जाएंगी, क्लियर हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, छोटा सा पार्ट्स है वो भी करता हूं मैं अभी सभी आपको, कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन पुट होता है यहां पर, ये पेपर में पूछा भी जाता है भाई, ठीक है ना, कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
ये क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, उसका क्या रीजन है, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका, इफ दे, यदि आपस में ये मिल जाएं, इफ दे डीड, देन क्या होगा उस केस के अंदर, देन इट मीन्स दैट द नीडल नीडल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे लिख लीजिए, मैग्नेटिक पॉइंट, नहीं भाई बने नहीं बात, ठीक है ना, कैसे लिखोगे कि मैग्नेटिक कॉम्पास पॉइंट सोर्स टू डायरेक्शन। तो क्या करेगी वो, जैसे वो आपस में काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो दो डायरेक्शन को शो करेगी, सोर्स टू डायरेक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अपने पाथ पे ही ट्रेवल करती है। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है भाई। फर्स्ट इज ए, यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान रखना ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके अंदर, द फील्ड वूज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम, द फील्ड वूज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो उसका और डायरेक्शन भी हो, इज सेम एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट मतलब क्या रहने चाहिए कि सभी पॉइंट पर वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना, इन द स्पेस ऑफ मैग्नेट, इन द स्पेस जो उसका स्पेस है मैग्नेट का, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म की बात, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लिखोगे आप, कि द फील्ड वूज, फील्ड लिख लेना भाई यहां पर, ये फील्ड, ठीक है ना, फील्ड यहां पर, द फील्ड वूज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट इन दिस स्पेस। सो ये था भाई इसके अंदर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड और इसके टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जैसे करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर से, उस केस में क्या होने वाला है। जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या रीजन रहने वाला है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, कैसे इसका इफेक्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि व्हाट यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली बी से, और इसकी एसआई यूनिट की थी हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर टेस्ला, और जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दिस इज कॉल्ड इज ए गोज, उसे हम गोज कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक डायग्राम शो किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या इस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। कि इस डायग्राम के अंदर दिस इज कॉल्ड इज ए बैटरी,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमेशा करंट जो है वो कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और दिस इज कॉल्ड इज ए की। अब इसके अंदर हमने क्या लगाया, कॉम्पास नीडल लगाई, दिस इज ए कॉम्पास नीडल। अब जो कॉम्पास नीडल की जो एरो साइन होता है बेसिकली वो नॉर्थ एंड की तरफ होता है। अब इसके अंदर देखिए जैसे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर से, तो करंट फ्लो करने से जो इसकी डायरेक्शन होंगी, डायरेक्शन किसकी तरफ होंगी कि करंट की डायरेक्शन तो इधर होगी। अब जैसे करंट की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी इट मींस क्या होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल है वो क्या शो करती है कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वो किस साइड में होगी, इस साइड में नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले और इसकी जो एक छोटी सी ट्रिक्स बनाई है, इसको हम सिंबल करते हैं नोज के नाम से। तो यदि आपको ये पता है कि जो इसकी डायरेक्शन रहने वाली है वो कैसी रहेगी, NOSE के नाम से इसको जाना जाता है कि वेन इलेक्ट्रिक करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू ए मेटालिक वायर, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अलो कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं किसी भी एक मेटालिक वायर के अंदर से फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। आप कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ। प्लेस ओवर द मैग्नेटिक कॉम्पास, जो हमारी मैग्नेटिक कॉम्पास है कि द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कॉम्पास टू वर्ड्स द, किसकी साइड में हो जाएगी वो, ईस्ट की साइड में हो जाएगी। कि जैसे आप इसमें से करंट पास करोगे ना तो नॉर्थ की डायरेक्शन किस साइड में हो जाएगी, आपकी ईस्ट की साइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इसको लगाया था ऐसे इस तरीके से, तो ये सिंपल हो गया। सेकेंड यदि हम करते हैं इस केस में, सेकेंड में क्या किया हमने, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अभी साइड में हमने नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, इस साइड में हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया। कि जैसे करंट फ्लो करेगा, अब इस केस में जो इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ की, वो डायरेक्शन किसकी साइड में हो जाएगी, आप वेस्ट की साइड में हो जाएगी। तो क्या बोलोगे आप कि वेन इलेक्ट्रिक करंट इज वाज एलो टू पास थ्रू ए मेटालिक वायर, कि जब इलेक्ट्रिक करंट को एलो कर रहे हैं हम पास करने के लिए किसी भी मेटालिक वायर के अंदर से फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, प्लेस ओवर द मैग्नेटिक कॉम्पास टू वर्ड्स द, किसकी डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन, वेस्ट की साइड में चली जाएगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्नो से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, जो साउथ की डायरेक्शन होगी इस केस के अंदर, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो इसमें क्या बताया कि जब डायरेक्शन कहां चली गई, साउथ टू नॉर्थ हुई, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से वेस्ट की तरफ होगी और नॉर्थ से किसकी तरफ होगी, ईस्ट की तरफ। तो ऐसे आपने इसको ट्रिक्स के माध्यम से लर्न करना है। उसके बाद यदि बात करें भाई सेकंड कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट कैरिंग कंडक्टर तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अब स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसको हम एक डायग्राम बना देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहां पर आप क्या लिख दोगे, स्ट्रेट कंडक्टर लिख दोगे, स्ट्रेट कंडक्टर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है ना, ड्यू टू द करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से जैसे पास करेगा। अब सबसे पहले इसके अंदर आपने एक डायग्राम बनाना है इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। तो मैं डायग्राम बना देता हूं इसके अंदर। सबसे पहले दिस इज कॉल्ड इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये इसका क्या रहने वाला है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसको आपने किसके साथ लगाया, एक कॉइल के साथ, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल लगा दी हमने यहां पर भाई। तो उस साइड में हमने क्या लगा दी, एक की लगा दी एंड सेम एज इट इज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस। अब इस साइड को आप लिख दोगे एक्स एंड इस साइड को लिख दोगे आप वाई। अब यहां पर आपने एक एमीटर भी लगाना है यहां पर, क्योंकि करंट को मेजर करेगा। तो इस केस में क्या लिखोगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव एंड दिस इज कॉल्ड इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो करंट को मैनुअली दिया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इस केस के अंदर जो आपका बेसिकली या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कॉपर वायर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या लिया हमने, कॉपर वायर, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉपर वायर। अब जैसे इसमें से करंट पास करेंगे, इस केस में से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एक सर्कुलर कॉइल के रूप में, ये मैंने यहां पर शो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दिस इज कॉल्ड इज ए की, जो की ओपन करने के लिए काम की जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, अब इसके अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी उसका स्ट्रोंग हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कि जितना उससे दूर होता चला जाएगा, ठीक
ठीक है, जितना लूप बनता चला जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा, उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर कब रहेगा भाई, स्ट्रॉन्गर नियर द सेंटर, नियर जो सेंटर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, उसके बिल्कुल पास में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना दूर होता चला जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा, क्लियर हो गया। और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बारे में हम लिखते हैं बेसिकली कि क्या रहने वाला है। यदि आप इसको इकट्ठा करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर, और इसके बेस पे आगे जाके वो बनता है भाई हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब इसको मैं एक लिख के दिखाता हूं कि आपने हमने क्या क्या लिया इसके इसके अंदर, ठीक है, तो उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका सभी राइट डाउन करें अपनी कॉपी के अंदर कि हमने क्या क्या लिया है। एक स्ट्रेट थिक वायर, तो हमने यहां पर क्या लिया, एक थिक वायर है, ये बहुत मोटी वायर है जो ये यहां पर शो कर रही है फिगर के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, टेक ए थिक कॉपर वायर, एक कॉपर वायर ले लिया आपने, उसके अंदर से क्या किया, पास एट करंट पास कर दिया उसके अंदर से, पास थ्रू किसके अंदर से पास किया हुआ, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर से, रेक्टेंगल कॉइल के अंदर से, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कॉइल, ये क्या है हमारी, रेक्टेंगल कॉइल है भाई, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में हमने क्या लिखा, कोनेक्ट किया वायर को किसके साथ, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ भी, कि कोनेक्ट जो इस फिगर के अंदर हमने लिखा है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कोनेक्ट क्या किया, कोनेक्ट किसके अंदर, कि द वायर विद वेरिएबल रेजिस्टेंस, किसके साथ अटैच किया गया उसको आपने, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, बैटरी एंड और क्या लगाया हमने भाई, एमीटर, एमीटर क्या होता है बेसिकली, जो करंट को मेजर करता है, एंड एक की, की के साथ आपने उसको जोड़ दिया पूरे इसके अंदर, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, अब उसके बाद देखिए भाई, थर्ड पॉइंट में रहेगा स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, कि कुछ आयरन फिलिंग्स इसके पास को आपने उसको बिछोड़ दिया, उसके आसपास डाल दिया, सम आयरन, स्प्रिंकल किया सम आयरन फिलिंग्स को, आयरन फिलिंग्स, क्योंकि बेटा ये एक्टिविटी है स्कूल के अंदर लैब के अंदर कराई जाती है, ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब होता है बोछार कर दिया आपने, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर प्रोड्यूस होता है वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है, ठीक है, कि स्प्रिंकल इज सम आयरन फिलिंग्स, किसके पास थी, ये ठीक है, यूनिफॉर्मली, ऐसे लिखिए यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड किसके, जो कार्डबोर्ड के उसके आसपास थी, जो रेक्टेंगुलर कॉइल के रूप में हमने लिया था। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, पास जब उसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, पास द करंट, जब उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो बाय क्लोजिंग द की, जैसे उसके अंदर क्या थी, उसके पास से हमने उसके अंदर करंट को पास किया की को क्लोज करके, ठीक है, उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लिखे कि टैप द कंडक्टर, टैप द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स के लिए या फ्यू टाइम्स के लिए आपने उसको रख दिया, ठीक है ना, फ्यू टाइम्स के लिए, तो उस केस में क्या होगा, क्या शो करेगा वो आपको, कि जो आयरन फिलिंग्स हैं आपकी, आयरन फिलिंग्स अलाइंस, क्या अलाइंस करेंगे भाई, ये देमसेल्फ ऑन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऑन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक रूप ले लेंगी, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अलोंग ए कॉपर वायर, अलोंग ए कॉपर वायर, ठीक हो गया। अब उस केस में देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, टेक ए थिक कॉपर वायर लिया आपने, ठीक है ना, उसको पास किया किसके अंदर से, एक रेक्टेंगल कॉइल के अंदर से। सेकेंड में क्या किया आपने, कनेक्ट द वायर किसके साथ मिला दिया उसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम मैनुअली प्रोवाइड करते हैं, एमीटर के साथ, की के साथ एंड बैटरी के साथ। थर्ड पॉइंट, स्प्रिंकल हमने क्या किया, थोड़े थोड़े आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको बोछार कर दी कार्डबोर्ड के आसपास, ठीक है।
तो उसके बाद जब हमने करंट पास किया तो करंट पास करने से जो कार्बोर्ड है फ्यू टाइम्स के बाद वो अलाइन देमसेल्फ हो जाते हैं किसके रूप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है दे हैव टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला सिक्स, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहेगा लास्ट, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रही है हमें, अब जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, टेक ए मैग्नेटिक फील्ड, टेक ए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कॉम्पास, ऐसे लिख लीजिए मैग्नेटिक कॉम्पास, जैसे हम इसके आसपास कोई भी कॉम्पास नेटर लेके आएंगे जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ होती है, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्पास, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉम्पास नेडल बोलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉम्पास। तो क्या करेंगे भाई इस केस में, कि नियर द कंडक्टर, जैसे उसको कंडक्टर के पास लेके आएंगे, नियर द कंडक्टर, अब उस केस में क्या होगा, ऑन द कार्डबोर्ड, ऑन द कार्ड, जो बोर्ड आपने लिया था, ऑन द कार्डबोर्ड द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड लाइन्स, द डायरेक्शन ऐसे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड लाइन्स, ऑफ ए फील्ड लाइन्स क्या करती है भाई, वो इन विच द नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना, द फील्ड लाइन्स टू शोज, किसको शो करेंगी वो, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल्स को एंड एंड साउथ पोल को शो करेंगी, साउथ पोल को शो कर रही है, ठीक है ना, दे शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल, कंप्लीट हो गया आप सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर देखिए क्या लिया, सबसे पहले दोबारा फिर देखिए, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और इसके रूप में भी पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक कॉम्पास नीडल उसके पास लेके जाते हैं, वो शो करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और बेसिकली आपने जो किया था, मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, और इसके लिए एक एक्टिविटी भी है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी, दिस इज कॉल्ड एज ए बार मैग्नेट, और ये साउथ पोल था इसका, ये नॉर्थ पोल था। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बेसिकली कहां से निकलती है, नॉर्थ टू द साउथ की तरफ जाती है, ठीक है ना, ऐसे ये टर्न करती है इस टाइप से। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे ही कहां से निकलेंगी ये, दे कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग फ्रॉम द साउथ साइड, साउथ साइड के अंदर ये चली जाएंगी, ठीक है। और बेसिकली इस केस में क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल से ये निकलती है बाहर, और साउथ की तरफ क्या करेंगी, ये एंटर करेंगी बेटा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये भी आ सकता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का स्केच डायग्राम बनाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो मैंने अभी कराया था अभी आप सभी को, कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, तो क्या हो जाएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रहने वाला है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, और उतना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, जितना दूर होता चला जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय राइट हैंड मैक्सवेल थंब रूल, क्या होता है। देखिए भाई, अब मैक्सवेल ने क्या किया था, बेसिकली यदि आप देखा जाए कि जो मैक्सवेल था ये हमारा ऐसे है, दिस इज कॉल्ड इज ए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब इसने अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, कि जैसे क्या करता है, इसके अंदर करंट फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, इस केस के अंदर ऐसे, ठीक है ना। अब जो करंट बेसिकली होता है वो डायरेक्शन क्या होती है, इसकी करंट की डायरेक्शन होगी हमारी। तो ये क्या शो करेगा, ये हमारा थम है, यहां पर मैं लिख देता हूं थम, ठीक है, थम। अब ये क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो क्या होता है इसमें, देखिए सबसे पहले मैक्सवेल राइट हैंड थम रूल क्या था, ये था मैक्सवेल का थम, राइट का थम था, कि वैन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हैंगिंग ऑन ए राइट हैंड, या उसको क्या किया उसने, ग्रैब कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे ये था, ये कंडक्टर था,
इसके अंदर से करंट पास कर रहा है तो ये किसकी डायरेक्शन में आ गया, सेम लाइक इज इट थंब की डायरेक्शन में आ गया कि व्हेन ऑल फिंगर्स आर रैप, ये जो सारी फिंगर्स हैं इनको रैप कर रहे हैं, दे शो द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलोगे कि द थंब इज शो द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। तो सिंपल सी बात है भाई कि किसी भी वायर के अंदर से करंट पास कर रहा है तो करंट पास करेगा तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसको आप किसके पास लेके आए, राइट हैंड थंब के पास लेके आए, सेम डायरेक्शन हो गई। सेम डायरेक्शन होने से जो ये सभी फिंगर्स हैं ये किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। यदि थंब ऊपर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यदि नीचे की तरफ है उस केस में क्या होगी, वो क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो कर रहा है यहां पर, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। यदि आप इसकी डायरेक्शन को बच्चों ऐसे कर देते हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इज ए एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैक्सवेल ने क्या क्या बोला था, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सवेल, तो यहां पर लिखिए इसके बारे में कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या था भाई, कि राइट हैंड रूल भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड रूल्स या फिर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स, ये बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ये क्या होता है। तो लिखिए भाई, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या लिखने वाले हैं, यहां पर आपको सभी शो किया कि इमेजिन, हमने क्या इमेजिन किया, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग, आपने क्या होल्ड किया बच्चों, देखिए ध्यान से, करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो स्ट्रेट वायर थी, ठीक है ना, होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आपने होल्ड कर लिया, कहां पर, राइट हैंड थंब रूल के अंदर, इन योर राइट हैंड सच दैट, तो क्या होगा इस केस के अंदर, कि द थंब पॉइंट, जो थंब का पॉइंट है, टू वर्ड्स द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन शो करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन शो करेगा, देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर जो कंडक्टर के आसपास, उसको आप क्या करोगे, रैप करोगे, तो इन द डायरेक्शन, वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हो आप, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है ना, ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, सो एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, क्लियर हो गया भाई। देखिए मैंने क्या लिखा, आपने एक डेफिनेशन सी बना के लिखी, सिंपल सी है। और यदि एक चीज ध्यान रखना, यदि इसकी करंट की डायरेक्शन को ऊपर की तरफ कर दे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस केस में क्या है, ये क्लॉकवाइज, कि व्हेन इट थंब इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन दे शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज, व्हेन इट थंब इन द अपवर्ड दे शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैग्नेट क्या होता है, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, उसके बाद ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था, अपना थंब रूल किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सर्कुलर लूप से रिलेटेड कुछ टॉपिक करने वाले हैं, प्लस सोलेनोइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो सर्कुलर लूप आपका कैसा होता है, कि सर्कुलर लूप के अंदर बेसिकली यदि देखिए हम दो एंड हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के लगा दिए यहाँ पर। अब जो यहाँ पर एक पोल कौन सा है, हमारा नॉर्थ पोल है, एक पोल कौन सा है, साउथ पोल, और जो हमेशा करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड की तरफ करेगा। पॉजिटिव एंड मींस लाइक इज कौन सा एंड हो गया आपका, साउथ हो गया, और नेगेटिव एंड आपका कौन सा हो गया, नॉर्थ हो गया। अब इस केस में जब करंट फ्लो करता है ऐसे इस किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर, बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से देखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस केस के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है आपका, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में, कि नॉर्थ से निकलेगा और किस साइड में चला जाएगा, साउथ साइड में। सो दिस इज कॉल्ड इज क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर लूप इन क्लॉकवाइज।
तो सबसे पहले देखिए कि एट एवरी पॉइंट इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कि हर एक पॉइंट किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, कि द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका क्या है भाई, एक सर्कल के रूप में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में। अराउंड इट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सर्कल, जैसे हम दूर होते जाएंगे सर्कल से, तो उस केस में क्या बनेगा, बिकेम लार्जर एंड लार्जर, जो उसका सर्कल क्या होगा, जितना दूर होते चले जाएंगे लार्जर बनता चला जाएगा। व्हेन वी रीच इन द सेंटर ऑफ द लूप, जब सेंटर ऑफ लूप की बात करते हैं तो जो फील्ड होगा वो अपीयर इज ए क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जैसे आपका ये मैग्नेट है, लाइक इज ए नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इस केस में आती है बारी द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ए करंट कैरिंग इन ए सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, ये देखिए ध्यान से, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि जितना करंट फ्लो करेगा उसके अंदर से उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात है इसके अंदर। सेकेंडली यदि बात करें हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कि आप देखिए इसको कि जितने उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन के, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, टू द, ऐसे लिखिए, टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल्स, कि जितनी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स क्या कर रही है, टर्न्स कर रही है, इट मींस उसको आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल, क्लियर है। तो इस केस में क्या बन गया आपका, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और आई, तो ये टोटल बन गया आपका। यदि आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या लगा दोगे, के आई और एन, मतलब क्या है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसके इसके अंदर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब के का जो साइन लगाया, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, के की वैल्यू क्या होगी, वन, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट। अब इस केस में क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आई एन, तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। और मैंने बताया था आप सभी को पहले अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और ये बेसिकली क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मींस लाइक एज जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसके डायरेक्शंस भी हो, और इसकी ऐसा यूनिट मैंने क्या बताई थी आपको, टेस्ला बताई थी, क्लियर है। सो दिस इज द सर्कुलर लूप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई। उसके बाद यदि बात करें, अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, यदि आप ये देखिए काफी बार पूछा जाता है कि यदि आपने करंट को इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसको ध्यान रखना कि व्हेन इंक्रीज इन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इज ए इंक्रीज, एंड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल्स इज इंक्रीज एंड देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, वो भी क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर हो गया ये। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये क्या था हमारा, थ्रू ए सर्कुलर लूप, इसको हम सर्कुलर लूप बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनोइड, कि व्हाट डू मीन बाय सोलेनोइड, क्या रहने वाला है बच्चों, तो इसको भी देखिए, सेम प्रोसेस है ये हमारा सोलेनोइड वाला की, मैग्नेटिक कैसे लिखोगे आप इसको, देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, क्लियर है भाई, तो इसको आप क्या लिख दोगे, सोलेनोइड लिख दोगे, सोलेनोइड यहां से हटा देना इसको, सोलेनोइड, तो ये ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है, सोलेनोइड, तो ऐसे आएगा बच्चों इसकी स्पेलिंग, ठीक है, आप काफी मिस्टेक कर देते हैं सोलेनोइड में, आई यहां लगा देना, सोलेनोइड हो गया। अब इसको देखो, सोलेनोइड का एक डायग्राम सबसे पहले मैं बना देता हूं कि डायग्राम क्या रहने वाला है इसका, सोलेनोइड का। अब जब सोलेनोइड की बात करते हैं, सेम एज इट इज, आपका ये क्या है, एक मैग्नेट है, सपोज कीजिए साउथ एंड नॉर्थ, ये दो पोल है इसके। अब इसके अंदर क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल्स को आपने कैसे किया है, ऐसे सर्कुलर लूप के अंदर एक इनको बॉन्डेड किया हुआ है। अब जो इसका बेसिकली यदि, और किसके साथ अटैच है ये भाई, देखिए ध्यान से, अब ये अटैच किससे करोगे आप, बैटरी से अटैच कर दोगे इस केस के अंदर, ठीक है ना, बैटरी का एंड कौन सा रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लगाओगे आप, की लगा दोगे, सेम एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल्स इज अटैच्ड विद इन दिस साइड एंड द करंट इज फ्लो ऑन कौन सी साइड से, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका, सोलेनोइड हो गया।
अब इसके अंदर से यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, नॉर्थ टू द साउथ साइड्स में, नॉर्थ टू द साउथ साइड्स में ये जा रही है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बाहर निकलेंगी सेम एज इट इज, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे अंदर साइड में आएंगे, सेम प्रोसीजर वही है जो आपने बार मैग्नेट के अंदर किया था। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड इज द सोलेनोइड। ऐसे यहाँ पर है, आपने ध्यान रखना है क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर की जो साउथ साइड, इसकी जो साउथ पोल है, दिस इज कॉल्ड इज ए साउथ पोल एंड दिस साइड इज कॉल्ड इज ए नॉर्थ पोल। हमेशा करंट फ्लो करेगा किस साइड से, साउथ साइड से। सो दिस इज कॉल्ड इज द सोलेनोइड। अब यदि हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनोइड, क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए हम सबसे पहले सोलेनोइड की डेफिनेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी, आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, देखिए सबसे पहले क्या है, रियलिटी में वैसे तो ये कॉइल है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉइल बोलेंगे कि इस कॉइल को आपने क्या किया हुआ है, एक वॉन्डेड रूप में डाला हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि सोलेनोइड, देखिए सबसे पहले सोलेनोइड इट इज ए कॉइल, एक ही कॉइल है भाई, ठीक है, ऑफ मैनी टर्न्स। इसके अंदर आपने क्या लगाया, इसके अंदर काफी टर्न्स लगा दी भाई, टर्न्स का मतलब क्या है कि वायर की, आपने जो वायर को लपेट रखा है इस टाइप से, ठीक है ना, मैनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर की ले लीजिए, कॉपर वायर क्लोजली वॉन्डेड, ऐसे लिखिए क्लोजली वॉन्डेड, ऐसे लिख ले, हाँ क्लोजली वॉन्ड लिख ले भाई, ठीक है, क्लोजली वॉन्ड द शेप ऑफ या इन द शेप ऑफ ऑफ सिलेंडर, किसकी फॉर्म में है भाई, ये सिलेंडर की फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। इस टॉपिक के द्वारा फिर समझिए कि क्या बताया आपने इसके अंदर, कि आपने क्या समझा इसके अंदर कि सोलेनोइड क्या होता है, कि एक कॉइल ऑफ ए मैनी टर्न्स, एक कॉइल है जिसके अंदर काफी टर्न्स हैं भाई, ठीक है ना, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसकी है ये, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की है, क्लोजली आपने उसको क्या है, बिल्कुल पास पास में उनको कर रखा है कि शेप में एक फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर की, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। अब यदि बात इसके अंदर पूछ ली जाए कि जो सोलेनोइड होता है बेसिकली ये भी किसकी बिहेव करता है, सेम बिहेव लाइक इज ए मैग्नेट, सेम बिहेव लाइक एज ए बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट होगा। अब यदि बात करें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड क्या रहेंगी बच्चों, वो सेम लाइक इज ए पैरेलल लाइन रहेंगी, तो इसको लिख लेना आप, टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू मैग्नेट, वो पैरेलल हो जाएंगी भाई किसके, मैग्नेट के पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। क्लियर हो गया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यदि हम बात करें भाई इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसको हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। तो ये तो आपने डायग्राम सभी के बना लेने हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बेसिकली जो ये चैप्टर है हमारा ये थ्योरेटिकली है और इसको सभी को आपने अच्छे तरीके से समझ के लर्न करना पड़ेगा। यदि हम बात करें उसके बाद कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोले इसको आप, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो गया, ये दो डेफिनेशन के रूप में आ सकता है ये और ये पूछा जा सकता है भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। अब इसका भी आप डायग्राम बनाओगे भाई, डायग्राम कैसा बनेगा इसका, देखो सबसे पहले इस टाइप का इसका डायग्राम बनने वाला है भाई, ठीक है ना, जो अभी हमने बनाया था। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, आप दो चीज से इसको करंट से ऐड कर दोगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर ऐसे चलती है, आप इस साइड से ऐसे मिलेगी, इस साइड से फिर सेम एज इट इज, ठीक है ना, उसके बाद या फिर आप अंदर से भी डार्क कर लीजिए ताकि, क्योंकि दिखाई आपको पता लगे क्या हो रहा है इसके अंदर ऐसे। अब ये एंड इसमें क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में शो करेंगी। अब इसके साथ भी आप क्या लगाओगे, बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाओगे इसके अंदर, की लगा दोगे आप बच्चों, ठीक है, दिस एंड इज कॉल्ड इज नेगेटिव एंड एंड द पॉजिटिव एंड,
और करंट हमेशा किससे फ्लो करेगा, आपके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। क्लियर हो गया आप सभी को? अब एक यहां पर देखो क्या कर रहा है कि करंट जो बेसिकली है, यदि आप इसको क्या करना चाहते हो, नेगेटिव एंड लगाओगे तो इसको आप एंटी डायरेक्शन में लगा दो भाई, इसको नेगेटिव कर दो, आप इसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया मैंने। तो डायरेक्शन को चेंज करने से आपका ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये डायग्राम आपने अपनी कॉपी में बना लेना है भाई, ठीक है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, क्या होता है कि ये कि व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर, जब सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर से बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर चेंज हो जाती है, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर चेंज हो जाती है। तो क्या लिखोगे आप, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर, या बाहर लिख लीजिए आपकी मर्जी है, इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट, इट बिकेम्स ए मैग्नेट एज वेल एज करंट फ्लो। क्लियर हो गया? अब एक चीज देखो इसमें भाई, यदि आप इसका जो ये पॉजिटिव कर देते हो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की साइड में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब आप इसकी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले डायरेक्शन को चेंज करके दिखाया आपको, और इसको बहुत तरीके से कर लेना। सिंपल सी बात है कि व्हेन ए सॉफ्ट आयरन कोर द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके यूजेस भाई, बच्चों यूजेस भी पूछे जा सकते हैं कि यूजेस क्या रहने वाले इसके। पहला फर्स्ट कि टू लिफ्ट, ऐसे कीजिए टू लिफ्ट आयरन पीसेस विथ द हेल्प ऑफ क्रेन फ्रॉम, जैसे स्क्रैप उठाने के लिए यूज करती है जो क्रेन, ठीक है ना, उसके अंदर यूज किया जाता है स्क्रैप। सेकेंड पॉइंट, कैसे यूज करोगे इसका, इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर यूज किया जाता है ये बेसिकली, इलेक्ट्रिकल बेल, इलेक्ट्रिकल आयरन एंड रेडियो, इन सब के अंदर इसको यूज करते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है ना, अच्छा टॉपिक्स था ये। उसके बाद यदि बात करें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भाई, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, फादर मदर एंड चाइल्ड। आप देखो फादर मदर चाइल्ड की क्या ट्रिक्स रहेगी भाई, बेसिकली यदि बात करें हम, ये इस टाइप का ट्रिक्स बनती है हमारी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले कि फ्लेमिंग ने क्या बनाया था भाई, इसकी भाई फ्लेमिंग, ठीक है। अब क्या रूल बनाया था इसने, मैंने आपको सभी से समझाया, देखिए सबसे पहले ये समझाया मैंने, अब इसकी डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ये डायरेक्शन बनती है भाई, ये डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। हमारे जब तीनों को थ्री एक्सिस बनती है, ये एक को एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो और जेड एक्सिस ले लो। अब इसको आप क्या कह रहे हो, दिस इज कॉल्ड इज ए थंब, देखना ध्यान से, थंब एंड दिस इज कॉल्ड इज ए फोर फिंगर, ये कौन सी हमारी फोर फिंगर, तो इसको आप क्या बोलोगे, फोर फिंगर एंड दिस इज कॉल्ड इज ए मिडल फिंगर। तो क्या होगा, फादर मदर चाइल्ड, सिंपल सी बात है, फादर मदर चाइल्ड, फादर ये है हमारा, मदर ये है, चाइल्ड ये है। अब इस केस में आप क्या करोगे कि जब आप इसके अंदर से करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब जो थंब है हमारा, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसको मैं करा देता हूं, सबसे पहले तो देखिए आप इसको थंब को क्या लिखोगे, यहां पर लिख देता हूं मैं फादर मदर, और जो मदर होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, मदर एंड चाइल्ड की शो करेगा भाई करंट को, ये इसकी ट्रिक्स है बच्चों, ठीक है ना। फादर मदर चाइल्ड, फादर मीन्स क्या है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं मैं आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या रहने वाला है भाई, ठीक है ना। अब जैसे आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किसको किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल को किया था, ठीक है, लेफ्ट को। अब इसको क्या लिखोगे आप, कि स्ट्रेच
स्ट्रेच क्या किया बच्चों आपने, ठीक है ना, ऐसे लिखो भाई, स्ट्रेच दी थंब, थंब को कर लो, फोर फिंगर को कर लो, एंड फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, ऑफ द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड किया था अभी, ठीक है ना, ये सेम पैटर्न मैंने यहां डायग्राम बना दिया। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है ना। इफ फोर फिंगर, फोर फिंगर किसके डायरेक्शन को शो कर रही है बच्चों, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को शो करेगी भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मदर से क्या बनता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंड उसके बाद यदि बात करें कौन सी है, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो किसके डायरेक्शन को शो करेगा, करंट की, एंड थंब इज शोज द डायरेक्शन, द डायरेक्शन किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है बच्चों, ये देखो भाई, फादर है, फादर मींस क्या होगा, फोर्स, तो क्या लिख दोगे आप, डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, सिंपल सा। तो देखो सबसे पहले आपने क्या क्या याद करना है, इसके अंदर फादर मदर चाइल्ड याद करना है, यदि फादर मदर चाइल्ड कर लेते हो, ये इसकी डायरेक्शन बनने वाली है, फादर मदर चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड इज ए थंब, थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर्स की, और जो ये वाली डायरेक्शन है और ये फोर फिंगर है, दिस इज ए फोर फिंगर, दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को शो करेगा ये, वहां पर देखो मदर को, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड ये चाइल्ड है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की है, तो दिस इज कॉल्ड इज ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर हो गया। उसके बाद यदि बात करें भाई हम इसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कि ये किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं ये चीजें सब, तो देखिए इसके अंदर है कि व्हाट फैक्टर एक्टिंग, व्हाट फैक्टर, या ऐसे लिख लीजिए, व्हाट फैक्टर एक्टिंग ऑन विच फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो सिंपल सी बात है भाई, अभी हमने किया भी था पहले, ठीक है ना, डिपेंड्स किस किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, जितना करंट होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो वही लिखो आंसर इसका क्या रहेगा, क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख लीजिए, मैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे करो भाई, नंबर वन क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा इसके अंदर, फील्ड के, एक ही बात है। सेकंड क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। थर्ड यदि बात करें हम, थर्ड किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो तीनों को हम कैसे करेंगे, कि जो फोर्स है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ए करंट आई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो तीनों को इकट्ठा कर दो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आई और एल। अब यहां पर
क्या करोगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, के लगा दोगे भाई, के इज ए कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉल्ड इज ए कॉन्स्टेंट साइन, के क्या होता है हमेशा वन होता है, तो क्या आ जाएगा बी आई और एल। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको करना चाहें तो एफ इज इक्वल टू के क्या रहेगा हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा बी आई और एल। ये फोर्स डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, करंट के ऊपर एंड लेंथ के ऊपर। क्लियर हो गया आप सभी को। उसके बाद यदि बात करें भाई हम कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, अब ये मोटर भी आपके सिलेबस में है भाई, इसको भी ध्यान से कर लेना आपने, मोटर क्या होती है और इसके मैं सारे टॉपिक कराने जा रहा हूं अभी, तो बड़े ध्यान से देखो इसको, मोटर क्या होगी ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। सबसे पहले देखो मोटर, मोटर बेसिकली क्या करती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज करती है, ये बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लेती है और कन्वर्ट इनटू ए किसके अंदर चेंज करती है, ये केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज कर देती है। तो क्या लिखोगे आप कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, ऐसे लिख लीजिए केमिकल की बजाय मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देगा ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है कि डिवाइस इज कन्वर्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब इसके अंदर भी बेसिकली क्या होते हैं भाई, दो पोल्स लगे होते हैं, इसका डायग्राम देख लीजिए सबसे पहले, ये दो पोल्स लगे होते हैं और दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगी होती है, डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेना भाई, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ यहां पर क्या लगे होते हैं भाई, बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव की एंड और एमिटर लगा होता है, ठीक है ना, तो इस टाइप की बनती है, करंट हमेशा फ्लो करेगा यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट फ्लो कर रहा है और यहां पर स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, स्प्लिट रिंग, ठीक है ना, इस टाइप की ये बनी होती है। अब इसकी पूरी की एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूं आप सभी को, ध्यान से देखना इसको। उसके बाद मैं करता हूं इसका प्रिंसिपल कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फॉलो करेगी भाई, यदि बात करें हम जो अभी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किया, फादर मदर चाइल्ड के ऊपर, ठीक है ना, फादर मदर एंड चाइल्ड के ऊपर डिपेंड होती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर फॉलो होती है, सिंपल सी बात है। तो प्रिंसिपल क्या लिखोगे बच्चों, इसका क्या रहने वाला है कि इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, किसके परपेंडिकुलर होगी ये, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना, इट्स एक्सपीरियंस फोर्स, और उस पर क्या लग जाएगी, एक्सपीरियंस फोर्स लगेगी भाई, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, ऐसे लिखो एक्सपीरियंस फोर्स। तो ये इसका प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे तरीके से देख लो इसका प्रिंसिपल क्या रहने वाला है इसका, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम भाई इसके अंदर, अब जो मैं कह रहा था आपको, ये क्या ले लिया आपने, नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया, ए बी सी डी, ये क्या है हमारे, दिस इज कॉल्ड इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, सिंपल सी बात है। अब जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, फ्रंट हमेशा क्या फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब ये मैंने एक डायग्राम बना लिया, डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बना लेना है भाई, ठीक है ना, यदि डायग्राम आपका अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है और कई बार इसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल ही पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का, क्या प्रिंसिपल है। उसके बाद इसके फंक्शंस है भाई, स्प्लिट रिंग क्या है, ठीक है, आर्मेचर कोयल क्या होती है, तो रेक्टेंगुलर कोयल क्या होती है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ये समझ में आ गया आपको कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर आपने देख लेना कि दो रिंग लगे हुए हैं, R1 और R2, ठीक है ना, और B1 और B2 क्या है आपके भाई, स्प्लिट रिंग है, ये दो रिंग लगा दी इसने आपके अंदर। अब इसके यदि हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, भाई कंस्ट्रक्शन कैसे बनी है इसकी, कि किसकी इसकी बनावट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर आर्मेचर कॉइल क्या होती है। अब ये आर्मेचर कॉइल, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल को, ठीक है। अब सबसे पहले लिखो इसके अंदर कि आर्मेचर कॉइल क्या होती है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है ना, तो ये क्या लिखोगे भाई इसके अंदर कि द आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ, किसकी है भाई, ये किससे बनी है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यही चीज सेम एज इट इज जो मैं बता रहा हूं आपको,
कि लार्ज नंबर ऑफ किसके है भाई, लार्ज नंबर ऑफ बच्चों इसके अंदर टर्म्स है किसकी, कॉइल्स की, टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, जो कॉपर वायर है उसको लपेटा गया है, ठीक है ना, किसके रूप में, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के रूप में, वायर वॉर्न ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए आर्मेचर कोइल, इसको आप क्या बोलोगे, आर्मेचर कोइल बोल दोगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया कि द आर्मेचर कोइल इज कंसिस्ट इज ए लार्ज नंबर ऑफ ए टर्न्स, किसकी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉर्न ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको वायर को लपेटा गया है, सिंपल बात हो गई। सो दिस इज कॉल्ड इज द आर्मेचर, ये क्या थी हमारी, आर्मेचर थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ये भी कंस्ट्रक्शन के रूप में है, तो उसको देखिए आप जी, आर्मेचर के बाद, उसके बाद सप्लेट रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, सबसे पहले फील्ड देख लीजिए, सेकेंड पॉइंट कि फील्ड मैग्नेट क्या होते हैं, फील्ड मैग्नेट दो टाइप के हैं भाई, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे कि आर्मेचर इज प्लेस्ड, ऐसे लिखो, आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन, किस किसके बीच में है भाई, ये बिटवीन दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऐसे लिखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक भी ना लिखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिखो भाई, मैग्नेट ऐसे लिख लो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं ऐसे नहीं, स्ट्रॉन्ग ऐसे लिखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट विच सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करे, सप्लाई करे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इस फॉर्म क्या बोलेंगे, फील्ड मैग्नेट बोल देंगे भाई। उसके बाद यदि बात करें हम भाई थर्ड, इसके अंदर स्प्लिट रिंग क्या होते हैं, और स्प्लिट रिंग का ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्प्लिट रिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं, कि जो रिवर्स करता है करंट के डायरेक्शन को, दिस इज कॉल्ड इज स्प्लिट रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग बोलेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या रहने वाला है स्प्लिट रिंग, या इसको आप और भी दूसरा नाम दे सकते हो, और कम्यूटेटर, ठीक है ना, कम्यूटेटर भी कहते हैं इसको, स्प्लिट रिंग कह दो या कम्यूटेटर कह दो। अब ये स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, कि दीज आर टू हाल्व्स, आ जाते होते हैं भाई ये, ठीक है ना, हाल्व्स ऑफ मैग्नेटिक रिंग्स, स्प्रिंग होते हैं आधे आधे, मतलब टूटे हुए आधे आधे स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है ना, ऊपर लगे हुए हैं ये हमारे, ठीक है। उसके बाद द एंड ऑफ आर्मेचर आर कनेक्टेड, इससे कनेक्ट किया बच्चे इसको टू इट, ठीक है ना, विच आल्सो रोटेट, ये भी रोटेट करते हैं भाई, विच आल्सो रोटेट विद आर्मेचर के साथ, जो आर्मेचर हमारी कोयल है ना उसके साथ ये रोटेट होते हैं, आर्मेचर, क्लियर है। उसके बाद यदि बात करें भाई फोर्थ, बर्सिस लगे हैं इसके अंदर, ठीक है, बर्सिस क्या होते हैं ये भी देखिए आप, इसके अंदर भी दो बर्सिस लगे हैं भाई, दो बर्सिस कौन कौन से कहोगे आप, आप इसके अंदर, ये तो आपने स्प्लिट रिंग ले लिया आर वन आर टू, बर्सिस बी वन एंड बी टू, ये दोनों क्या आपके बर्सिस हैं, तो बर्सिस के अंदर क्या लिखोगे कि दीज आर टू फ्लेक्सिबल कार्बन बर्सिस, और ये बेटा ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप के बर्सिस होते हैं, कार्बन के होते हैं, ठीक है ना, कार्बन बर्सिस या कार्बन रोड, ऐसे लिखिए कार्बन रोड बी वन एंड बी टू विच आर so fixed that they touches the revolving क्या है इसके अंदर, यही rings हैं, and help to supply देखो क्या करते हैं, ये सप्लाई करते हैं करंट को टू दी, किसके अंदर से, आर्मेचर के अंदर से, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे बर्सिस, ये थे हमारे स्प्लिट रिंग, और इसका ये डायग्राम था। उसके बाद में इसकी वर्किंग, और वर्किंग भी ऐसे ही है इसकी, वर्किंग बेसिकली यदि पूछी नहीं जाती पेपर के अंदर, पर वर्किंग भी आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है, क्योंकि आपके नए सिलेबस में वर्किंग नहीं दी गई अब की बार, ठीक है, तो वर्किंग भी मैं वैसे करा देता हूँ कि वर्किंग क्या क्या करता है, क्या क्या फंक्शन करेगा। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग इसकी, ठीक है ना, तो वर्किंग देखो बच्चों इसकी क्या वर्किंग रहने वाली है भाई, वर्किंग के लिए सेम पर्पज वही है भाई,
जैसे करंट फ्लो करेगा ए टू बी, अब इसमें क्या होगा कि हाफ रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, कि आपने डायग्राम द्वारा बना लेना है, क्योंकि ए इधर चला जाएगा, अब ए यहां पर आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, ए को एज इट इज रखो यहां पर और बी को यहां पर रख लो, ठीक है ना। हाफ रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ऐसे ऐसे रोटेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी, हाफ रोटेशन, यहां पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो कैसे लिखोगे वर्किंग, आप इसकी देखिए वर्किंग क्या रहने वाली है बच्चों इसकी। तो वर्किंग क्या है भाई, लेट अस सपोज, क्या होगा जैसे इसके अंदर से हम करंट पास करेंगे कि द बैटरी सेंड्स द करंट, बैटरी क्या कर रही है बच्चों इसके अंदर करंट पास कर रही है भाई, ठीक है। तो क्या होगा इसके इसके अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी सी डी, किसके डायरेक्शन में भाई, ए बी सी डी की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ए बी सी डी की डायरेक्शन में करंट को उसके अंदर भेज रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर टू द आर्मेचर, आर्मेचर कोयल बोलते हैं एबीसीडी को, ठीक है ना, या रेक्टेंगुलर कोयल बोल दीजिए आप इसको। अब उसके बाद थ्रू किसके माध्यम से, थ्रू स्प्लिट रिंग, जो स्प्लिट रिंग है वो करंट पास करते हैं इसके अंदर, स्प्लिट रिंग आर वन, आर वन के माध्यम से इसके अंदर करंट को सेंड कर देती है। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर क्या रहने वाला है, अप्लाइंग ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यही लगेगा इसके अंदर, अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल, ठीक है ना। इस पे क्या कहोगे इस केस में बच्चों, ए बी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है ना, उस केस में फोर्स लगेगी इन डाउनवर्ड हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगी, हाफ रोटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे जैसे करंट पास करेगा तो वो हाफ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। उस केस में क्या होगा इसके अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल द आर्म्स सीडी, जो आर्म सीडी है विल एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक्सपीरियंस ए फोर्स इन, और जो ये सीडी कहां चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे, अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर हो गया। जो ए बी था हमारा वो नीचे की तरफ चला गया और सीडी कहां चला गया, ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद यदि बात करें कि दीज टू फोर्स, ऐसे लिखो दीज टू फोर्स फ्रॉम ए कपल वोज मूवमेंट क्या कर रही है भाई, वो जो मूवमेंट है उसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो रही है ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जैसे करंट फ्लो करेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि मेक्स द आर्मेचर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में उल्टी हो जाएगी भाई, ठीक है ना, जैसे करंट को अपोजिट कर देते हैं उस केस में क्या होगा, उसके डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आफ्टर हाफ रोटेशन या रेवोल्यूशन की बात है भाई, रेवोल्यूशन द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट रिवर्स्ड, यदि उसकी हम हाफ रोटेशन के बाद उसकी डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, देखो अभी, ठीक है ना, गेट रिवर्स। अब रिवर्स की बात के बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, रिवर्स के बाद क्या होगा इस केस के अंदर, देखिए ध्यान से, जब उसकी रिवर्स हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा भाई, द करंट मूव्स इन द डायरेक्शन, जो करंट होगा, द करंट मूव्स द डायरेक्शन ऑफ, कौन कौन सी डायरेक्शन में करेगा भाई, डी सी बी ए डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट कर देगा, अपोजिट हो गया भाई, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब उस केस में क्या होगा कि आर्म जो है हमारी, बेसिकली क्या लिखोगे आप, आर्म डीसी,
will experience ए डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ हो जाएगी भाई, ठीक है ना, डाउनवर्ड फोर्स एंड ए बी क्या हो जाएगी आपकी बच्चों, अपवर्ड हो जाएगी, क्लियर हो गया। अभी आम क्या करेगी भाई, उसके बाद कंटिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये टोटल क्या थी इसकी वर्किंग थी भाई, ठीक है ना। अब इसमें स्प्लिट रिंग जो पूछा जाता है, स्प्लिट रिंग क्या करता है भाई, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इंड्यूस करंट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ईएमआई या फिर और इंड्यूस करंट। और ये करंट क्या होता है भाई, ये क्लोज सर्किट के अंदर पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड इज ए, ये बोला जाता है इसको, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं आप सभी को बताता हूं कि इंड्यूस करंट क्या होता है, कि द फिनोमिना बेसिकली क्या है, एक फिनोमिना है ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए क्लोज सर्किट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ईएमआई, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ईएमआई। अब इस केस में क्या होता है कि देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, एक सर्किट है और इसके अंदर ये क्या लगा है, हमारी एक कॉइल लगी है, दिस इज ए इंसुलेटेड वायर व्हाटएवर। अब यहां पर आपने क्या रखा, एक मैग्नेट रख लिया नॉर्थ एंड साउथ, कि जैसे इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोल देंगे, सिंपल सी बात है, ये क्या रहेगा हमारा, इंड्यूस करंट रहेगा, क्लियर हो गया। अब इसको आप, इसकी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जरूरी नहीं आपने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ करना है, यहाँ पर साउथ भी कर सकते हैं, नॉर्थ भी कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड इज ए इंड्यूस करंट, क्लियर हो गया। अब इंड्यूस करंट के बाद यदि बात करें, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहता है बेसिकली वो रहता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, तो ये भी देखिए ध्यान से भाई, सबसे पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड रूल, अब हम बात करेंगे राइट हैंड रूल की। राइट हैंड रूल के अंदर क्या होता है भाई, फादर, ठीक है ना, फादर तो है, अभी यहां पर फादर नहीं है, ठीक है ना, मदर, मदर चाइल्ड आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, राइट की बात कर रहे हैं, मदर मदर चाइल्ड, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मोशन एंड इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा यहां पर, इंड्यूस करंट आने वाला है। तो इसको देखो सबसे पहले कि राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, देखो राइट हैंड रूल, ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, सेम वही पैटर्न भाई, ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे बनने वाली है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, मदर मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। अब मदर मींस क्या होगा भाई, यहां पर आपका मोशन, यहां पर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मींस क्या होगा आपका, इंड्यूस करंट। बस ये चीज आपने बच्चों ध्यान रखनी, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, वही सेम एज इट इज भाई, स्ट्रेच, ठीक है, स्ट्रेच करो, किसको स्ट्रेच कर रहे हो आप, द थंब, फोर फिंगर, किसकी करनी है आपने, राइट की, ठीक है ना, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड, सो दैट दे, ऐसे लिखो, दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ फोर फिंगर, फोर फिंगर किसके डायरेक्शन को शो करेंगे भाई,
फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक, ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लो भाई, ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बचा, तो आपको वैसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये पूछा जाता है बच्चों कई बार कि भाई लाइव वायर किस कलर की होती है, और ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, पर फिर भी एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम बात करें लाइव वायर की, लाइव वायर किस कलर की होती है भाई, रेड कलर की, ऐसे लिखो, रेड कलर मींस लाइक इज ए पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये, ठीक है। और यदि बात करें हम न्यूट्रल वायर की, न्यूट्रल वायर, और ये क्या होती है आपकी भाई, ब्लैक कलर की होती है, और इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। और यदि बात करें हम भाई अर्थन वायर की, दिस इज ए ग्रीन कलर, इज ए नो चार्ज। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर जो आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस था। तो होपफुली आपको एंजॉय किया होगा इस चैप्टर के अंदर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आने वाली है, और प्लस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।